जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है ये अरबी कैलीग्राफी अरबी खताती पर होगी और इसमें मैं एक दिल की जो है शेप में कलमा तैयबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखूँगा। तो सबसे पहले ये मैं पेन की मदद से एक बारीक लाइन लगा के उसमें मैंने एक दिल बना लिया ताकि हम इसके अंदर अंदर लिखें। तो ये कट मार्कर है उसकी मदद से मैं लिख रहा हूँ। तो ये ला लिखना हमने ला इलाहा। तो सबसे पहले मैंने जैसे ये आपने देखा कि मैंने लाम अलिफ ला लिखा, तो अब इसमें अलिफ डालेंगे ये इस तरह से, ये ला लिखा गया। तो इसकी इसी जगह से हम अब अलिफ फिर दोबारा उसी तरह से ऊपर से बराबर जो है लाम अलिफ लाम इस तरह से हम इकट्ठा लिखेंगे ताकि शेप जो है हमारी वो बरकरार रहे जो हम दिल की शेप बनाना चाहते हैं। तो ये लाम ये इस तरह से हे के साथ, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ कर ये इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा। तो ला इलाहा अब इसके बाद जो है इसी तरह से दोबारा अलिफ और लाम अलिफ ला लिखेंगे यहाँ से ये चीज़ और ये इस तरह से ये देखें लाम अलिफ ला ये हमने लिखा है ला इला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये हम अल्लाह जो वर्ड है वो लिख रहे हैं इस तरह से, ये इसके दरमियान में अलिफ तो अब मोहम्मद जो है ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है पूरी जो है वो नोक लगाकर। तो ये नीचे की तरफ मीम और ये दाल इस तरह से ये देखें अब डायरेक्ट में इसका ये गुलाई और ये इस तरह से रसूल अल्लाह अब हमने लिखना है रसूल अल्लाह। तो ये रे इस तरह से सीन वाओ सो जिस तरह से इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की इस तरह से ये चीज़ लाम आएगा ये इस तरह से रसूल। अब हम अल्लाह लिखेंगे तो जैसे हमने ऊपर लिखा उसी तरह से सेम ये अलिफ नीचे की तरफ ये नोक पे इस तरह से ये हमने एक हार्ट की शेप में दिल की शक्ल में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह तो ये हमने लिखा है इसमें। तो इसी तरह से आप इसको देखें दिल की शेप बनाएं, दिल की शेप बना के उसमें लिखने की कोशिश करें। जो है बाद में जो पेन आपने शेप बनाई होगी उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ इसको देख कर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख सकेंगे। इसी तरह से आप दायरे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह को वीडियो मैं जो है जल्द अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। इसके अलावा जो दूसरे दोस्त जो के खताती सीखना चाहते हैं जिनकी राइटिंग ख़राब है तो जो के इसके शौकीन हैं उनको आप इस वीडियो को सेंड करें, शेयर करें व्हाट्सएप पे या जिस तरह से भी, ताकि दूसरे भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें, दूसरे भी इससे कुछ सीख सकें। और दोस्तों अगर आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मज़ीद मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। इसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक करें कि जैसे ही मैं किसी वीडियो को शेयर करूँ तो आप लोगों को बाकायदा नोटिफिकेशन मिले तो आप उस वीडियो को फौरी जो है देख सकें जैसे ही मैं इसको शेयर करूँ। तो ठीक है दोस्तों अब अपनी आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।